नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, अब इसे यूज करना दिन पे दिन एक मुसीबत बनता जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब बैंक के चार्जेस पे चार्जेस लगाते जा रहे हैं। अगस्त मंथ से काफ़ी सारे बैंक के अपने ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगा रहे हैं। एस बैंक का भी अपडेट आ गया, एक्सिस का अपडेट आपको पता ही है कि उन्होंने अपना बढ़ा दिया जो है, कि आप पहले तो रेंट पेमेंट का चार्जेस था, और भी अब बैंकों में अपडेट आ चुके हैं। चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे बैंक क्या चाहती हैं अपने कार्ड के लिए। इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पे एस बैंक भी अगस्त वाले मंथ से वायर चार्जेस, रेंट पेमेंट चार्जेस, अब इन सब पे भी आपको, जैसे पहले तो रेंट पेमेंट का चार्जेस तो था ही, और वायर चार्जेस भी इन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब कि 0.75, मतलब कि आपका 1% से कम का ही चार्जेस रहेगा। ट्रांजेक्शन अब ज़्यादा तक फ्री नहीं होने वाला है, मतलब कि आप एक दो कर लिए ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफर आप करते हैं तो हर जगह आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन मर्चेंट हैं, सामान परचेस कर सकते हैं, यहीं पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी अब आप अगर सोचते हो कि मैं कार्ड से पैसा बैंक में कर लूँ, कोई दिक्कत ना हो, तो अब बैंक में पैसा कार्ड से लेना बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब कि आपको मर्चेंट को पैसा पे करना पड़ेगा, बैंक को भी पे करना पड़ेगा। मतलब कि अब आने वाले टाइम में ऐसा बैंक अपडेट कर देगा, दो चीजें अपडेट हो सकती है। पहला, या तो कार्ड से पैसे बैंक में ट्रांसफर करना किसी भी वॉलेट या रेंट के पेमेंट के नाम से ट्रांसफर करना काफी महंगा पड़ जाएगा, मतलब कि मिला जुला के सब 6-7% पड़ जाएगा, आने वाले टाइम की बात कर रहा हूं। और या तो बैंक वाले ऐसा कोई नियम ला देंगे कि आप जो है ओनली एक या दो ही ट्रांजेक्शन आप इस तरह कर पाओगे, बाकी को वो अंदर से कोई सिस्टम लगा के बंद कर देंगे, शॉपिंग के लिए अनलिमिटेड कर देंगे। तो ये सारी चीजें अब हो रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्रेडिट कार्ड यूजर की गलती की वजह से। क्रेडिट कार्ड किस क्यों बना है? क्रेडिट कार्ड बना है शॉपिंग करने के लिए, उसका नाम ये है कार्डलेस ईएमआई। अब ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग यहाँ पे जब से रेंट पेमेंट का सिस्टम आया, पेटीएम क्रेड ऐप बहुत सारे ऐप आए, मर्चेंट आए, ऐड मनी किया, नाम डाला रेंट पेमेंट का, दोस्त फ्रेंड का पैसा अकाउंट में ले लिया, तो इससे क्या है कि काफ़ी हद तक नुकसान बैंकों का होने लगा। मतलब कि एक प्रकार से मनी फंडिंग पैसा बैंकों का जो है यहाँ वहाँ घूम घाम के बैंक के पास आने लगा, कोई इसमें बेनिफिट नहीं नजर आया। तो यहाँ पे अब शॉपिंग कम कर रहे हैं लोग, और बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई इस्तेमाल कर ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को ओनली पैसा बैंक में ट्रांसफर करने के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें अब बैंक इस पर बदल रही है, और इस पर आरबीआई से सहमति लेने के बाद ही लोग कर रहे हैं। तो अब इतना आप लोग याद रखना, किसी बैंक कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह का चार्जेस देना पड़ेगा। सब बैंक के सामने आ रही हैं, यहाँ पे कुछ बैंकों में चार्ज ज़्यादा हैं, कुछ में कम है, बट समय के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो सकती हैं। मतलब कि आप आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, अगर आप 10,000 रुपये अपने अकाउंट में अगर लेना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में एक ऐसा समय आएगा कि आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, समझे ना। 1 लाख के पीछे आपको 10,000 देना पड़ेगा, सिर्फ पैसा 5 से 10,000 ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, कि टाइमिंग ऐसा आया कि और बढ़ सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही है या गलत है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड को जितना हो सके एक हिसाब में यूज करो। अगर आप ज़्यादा उसको ओनली बैंक में ट्रांसफ़र करने के नाम पे इस्तेमाल करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मुसीबत सबके लिए बढ़ सकती है। और आपको पता है कि बैंक के चार्जेस तो लगा रही हैं, लोग वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब बैंकों ने वॉलेट पे भी अब नियम लागू कर दिया। लोग नया ट्रिक खोज रहे थे कि चलो रेंट पेमेंट पर चार्जेस लगा है तो क्यों ना वॉलेट पे हमला करते हैं। तो ऐसे तो कोई मानने वाला नहीं है, ना आप मानने वाले हो ना कोई और मानने वाला, क्यों? क्योंकि ये फायदेमंद लग रहा है। एक रिश्तेदार से अगर आप 5,000 रुपया कर्ज मांगने जाओगे
तो पहले तो एक दो बार ना ही नौकरी करेंगे, चलो दे दे देंगे है, एक बार दे देंगे, दो बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। तो लोग इस चीज से बचने के लिए कार्ड से ही पैसा लेके 2-4, 5-100 हजार एक्स्ट्रा लग रहा है दे के अपना काम कर ले रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को फायदा लग रहा है। मुझे इतना पता है कि बैंक लाख नियम लगा दे, लोग इस आदत को छोड़ने वाले नहीं है। आप बताना मैंने सही कहा या गलत कहा, राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो कैसा लगा आप लोग को लाइक करना, उसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।